मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को नवीं कक्षा में स्वागत है। तो हम स्पर्श भाग दो, क्षमा कीजिए, स्पर्श भाग एक के अंतर्गत जो है पद्य भाग में से दूसरा पद रहीम के दोहे का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। तो अब तक जो है हमने एक से लेकर नौ दोहों का विस्तृत अध्ययन किया है। अब आगे के दोहों का अध्ययन करने से पहले एक बार संक्षिप्त जो है इन दोहों का अर्थ बताते हुए नए दोहों का भावार्थ देखेंगे। यहाँ पर पहले दोहे में जो है आप पढ़ सकते हैं, इसमें प्रेम की जो है महत्व बताया गया है, उसे धागे का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है। उसी प्रकार दूसरा दोहा जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कहते हैं कि आपकी मन की जो बिता है, व्यथा है या दुख दर्द है, वो दूसरों को मत बताइए, क्योंकि वह नहीं बांट लेंगे और आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। ऐसे इस दोहे के अंतर्गत, दूसरे दोहे के अंतर्गत स्पष्ट होता है। और उसी प्रकार तीसरे जो है आप कैडेट्स विद्यार्थियों को भी जो है ये अन्वय करता है, एक साधना करने से जो है अन्य सभी कार्य जो है सफलता प्राप्त करती है। उसी प्रकार आपको एक कार्य पर ठान रहना है, अडिग रहना है, ताकि जो है दूसरे कार्य भी अपने आप सफल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि फल फूल खिलना है तो जड़ों को ठीक से पानी यदि वो सींच लेंगे तो अपने आप जो है फल फूल भी फूल जाएंगे। और चौथे दोहे में उन्होंने कहा कि जो अयोध्या के राजा राम थे, उनको 14 साल का वनवास जो हुआ उस समय चित्रकूट में वो अनिवार्य के जो है व्यतीत करने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। तो आजकल के जो लोग हैं वहाँ पर मानसिक तनाव या दुख, अपने जीवन में जो घटित घटनाओं को भूलने के लिए, मनोरंजन के लिए इस जगह पर आते हैं, इस तरह उदाहरण के साथ उन्होंने बताया। और पांचवा दोहा था, यानी यहाँ पर दोहे का अर्थ बताया है कि दोहा बहुत ही, उसका शब्द जो है बहुत ही संक्षिप्त छोटा होता है, लेकिन अर्थ जो है विशाल होता है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण बताया कि जो बाजीगर है, कुशल बाजीगर, वो छोटे से तंग जगह से भी वह वहाँ से जो है निकल कर बाहर आता है, इस तरह इसमें बताया गया है। उसी प्रकार छठा दोहा था, यहाँ पर कहते हैं कि कीचड़युक्त पानी समुद्र से कहीं ज़्यादा जो है अच्छा है, क्योंकि ये कीचड़युक्त पानी जो है इसमें जीव जंतु, न जाने कितने छोटे छोटे जीव जंतु जो है, जंतु जो है उसे पीकर जो है अपना वह संतोष रहते हैं। और जो एक प्यासा व्यक्ति समुद्र भले ही विशाल होता हो, वहाँ पर आकर पहुँचेगा तो उसकी जो प्यास है वह नहीं बुझेगी। तो इस तरह जो अपार धन जो है आपके सम्मुख परोपकारी गुण होना चाहिए, इसके अंतर्गत बताया गया है। और सातवां दोहा था, यहाँ पर नीचावर करने की जो गुण है यहाँ पर बताया गया है कि एक मृग जो है एक संगीत पर मंत्रमुग्ध होकर अपना जो है जीवन को भी वह नीचावर करने की सोच रहा है, लेकिन मनुष्य जो है पशु से भी गए गुजरा है, ऐसे इसके अंतर्गत सीख जो है मिली है। आठवां दोहा था, एक बार जो आपकी बात बिगड़ जाती है किसी संदर्भ में कही हुई, या इसीलिए सोच समझकर जो है कहने की सलाह यहाँ पर रहीमदास देना चाहते हैं, तो आप कितना भी लाख कोशिश करो वह फिर से नहीं जुड़ता है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि फटा हुआ दूध है तो उसे आप कितने भी बार मंथेंगे तो उससे जो है माखन नहीं निकलेगा, ठीक है, भले ही दूध से ही मक्खन जो है बनता है, लेकिन जो फटने के बाद जो है कितने बार भी आप मंथने पर भी जो है माखन नहीं आता है। इस तरह हमने
जो है आठवां दोहा के बाद नौवां दोहा है। रहीम दास कहते हैं कि समाज में जो है सभी को आप समान दृष्टि से देखिए, किसी अमीर या उच्च लोगों को देखते ही निचले या निम्न लोगों को जो है उनको धुतकारना सही नहीं है, क्योंकि जहाँ सुई की काम होती है वहाँ पर तलवार कुछ काम नहीं करता। इसके लिए समाज में हर एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है, तो सभी से मिलजुल कर रहने की यहाँ पर सीख जो है इस दोहे के अंतर्गत मिलती है। तो चलिए अगला दोहा का हम अध्ययन करेंगे, जो दसवां दोहा है। अब देखिए यहाँ पर इस दोहे को मैं पढ़ता हूँ पहले। रहिमन निज संपत्ति बिना कोई न विपति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। तो इस दोहे का अर्थ बताने से पहले यहाँ पर हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। निज का रहिमन यानी रहीमदास है, निज यानी अपना, विपत्ति संपत्ति यानी आपको पता है हाँ धन दौलत, विपत्ति विपत्ति जो है विपत्ति का अर्थ है मुसीबत, सहाय यानी सहायता है, बिनु बिनु यानी बिन ठीक है, पानी पानी यानी आपको पता है जल, जो जलज को, जलज यानी कमल का एक नाम है जो पानी में जल में खिलता है, जो कमल है वो कीचड़ में खिलता है, तो जलज को नहीं 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 ना नहीं यानी नहीं रवि सके बचाए। रवि यानी सूर्य है जो जलज को नहीं बचा सकते। तो यहाँ पर आप दो चित्र देख रहे हैं, उससे पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि कवि ने यहाँ पर व्यक्त किया है कि निजी संपत्ति की महत्ता को समझाया है, निजी संपत्ति की महत्ता को यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि अपनी संपत्ति के अलावा मुसीबत या दुख दर्द में कोई दूसरा सहायक नहीं हो पाता। तो देखिए यहाँ पर आंतरिक जो आपकी शक्ति है उसके बारे में, आंतरिक आपका ज्ञान है उसके बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर देखिए एक जगह कमल जो है वह खिला हुआ है, क्यों खिला है, क्योंकि उसे पर्याप्त मात्रा में जो है जल चाहिए वो उसे मिल गया है। दूसरी जगह है सूखा हुआ, क्योंकि उसकी जल की अभावता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संकट के समय अपना संचित धन ही काम आता है, यानी संचित धन यानी यहाँ पर जल है। कवि ने इस सत्य को प्रमाणित करने के लिए कमल का उदाहरण देते हुए कहा है कि पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य की किरणें भी नहीं खिला पाती है। देखिए आपको आपने विज्ञान में यानी साइंस में पढ़ा ही होगा, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं ये क्या करते हैं, सूर्य की किरणों से जो है अपना जो आहार है या खाना है वो बना लेते हैं। तो पानी यहाँ पर क्या कहते हैं, जलज सूरज से जो है खिल जाता है, सूरज की किरणें ही पड़ते ही वो खिल जाता है, लेकिन आपके पास आंतरिक जो है जल होना चाहिए। कमल तभी खिल पाता है अच्छे से जब उसके आंतरिक यानी जल होता है, तभी वह सूर्य के सम्मुख जो है खिलकर उठता है। वही जल नहीं है तो सूरज की किरणें उसे क्या कर डालेंगे, जला डालेंगे, राख कर देंगे, सूखा बन जाएगा। तो इसीलिए आंतरिक जो जल की कमतरता के वजह से दूसरा चित्र में आप देख रहे हैं कि दूसरे चित्र में वहाँ पर जल जो जलज जो है सूख गया है। इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि सूर्य की किरणें कमल का पोषण करती हैं, परंतु जल के अभाव में कमल सूख जाता है। उसी प्रकार बाहरी सहायता मिलने पर भी निजी संपत्ति न होने से मनुष्य की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। तो आपको समझ में आया है, यदि बाहर से आपको कितना भी जो है सहायता करो, आंतरिक मन में जो है शक्ति होना चाहिए। देखिए
आपका जो आंतरिक शक्ति या आंतरिक ज्ञान है वो कोई भी बाह्य जो है कोई उसे चोरी नहीं कर सकता। यानी यहाँ पर कवि रवि रहीमदास जो हैं यही कहना चाहते हैं कि आपकी जितने भी खूबियाँ हैं जो आंतरिक खूबियाँ उसे बनाए रखिए, जो आंतरिक शक्ति जो है उसे बढ़ा लीजिए, ताकि बाह्य को कुछ भी घटित हो उसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि जलज को आंतरिक जल है तब तक सूर्य के किरणें होते हुए भी वो खिलता रहेगा, यदि आंतरिक जल नहीं है तो वह सूर्य की किरणों के वजह से जो है वह कमल जो है सूख जाता है। इसी प्रकार इसमें बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए, निजी धन संपत्ति ही मुसीबत की घड़ी में व्यक्ति की सहायता होती है। यानी जो आप जो ज्ञान अनुभव प्राप्त करते हैं सच्चे दिल से, उसे जो है मुसीबत के समय में वह आपका उपयोग में आता है। इस तरह यह जो है दसवें दोहे का अर्थ है। तो चलिए अगला दोहा जो अंतिम दोहा है उसका हम अध्ययन करेंगे। यह एक जो दोहा है वह यह एक देखेंगे किस प्रकार है। रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरई मोती मानुष चून। तो इस दोहे का बहुत ही अच्छा अर्थ बताया है और यह एक जो अलंकार का एक दोहा भी माना जाता है श्लेष अलंकार का। यहाँ पर पानी जो है वह तीन शब्दों को अर्थ दे रहा है, एक ही जो शब्द है तीनों शब्दों को अर्थ देता है। पहले हम इसके शब्दार्थ जानेंगे। पानी यानी एक जगह चमक है, एक जगह सम्मान है, एक जगह जल है। आप ज़्यादातर समानार्थी शब्द क्या कहते हैं पानी का शब्द का अर्थ में जल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग भी अर्थ हैं। उसका चमक आता है एक, दूसरा है सम्मान आता है। बिन यानी बिन पानी सब, पानी यानी सब पानी, सून यानी सूना व्यर्थ, पानी गए ना उभरे, पानी गए ना उभरे यानी वह कम ना हो, मोती मानुष उभरे यानी उससे जो है प्रभावित नहीं होंगे पानी के बिना, जो मोती मानुष चून, मोती यानी मोती आपको पता ही है, मानुष यानी मनुष्य है, चून यानी यहाँ पर आटा है, ठीक है, उभरे यानी चमक है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह दो यहाँ पर रहीमदास जो है क्या कहते हैं, रहीम जो पानी के महत्व को विभिन्न संदर्भों में स्पष्ट किया है, विभिन्न संदर्भों में यहाँ पर स्पष्ट किया है। किस तरह देखेंगे, चलिए कवि रहीम कहते हैं कि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। आप सभी को पता है यदि आपको प्यास लगी है तो पानी देंगे तो आपकी प्यास जो है बुझ जाती है। इसे हमेशा संचित करके रखना चाहिए, संग्रह करके, संचित का अर्थ है संग्रह करके रखना चाहिए। यदि पानी समाप्त हो जाए तो मोती मनुष्य आटे का भी महत्व समाप्त हो जाता है। यहाँ पर पानी का एक अर्थ है किसके लिए, मोती के लिए, यह एक चमक का अर्थ देता है। उसी प्रकार पानी अर्थात यहाँ पर मनुष्य के लिए जो है जीवन का, यहाँ पर जो है सम्मान का अर्थ देता है। उसी प्रकार पानी जो जल को है, आटे को जो है, यह पानी का यानी जल का अर्थ देता है। इस प्रकार पानी बिना आटा बेकार है, इसीलिए पानी को हमेशा सहेज कर रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक एक करके हम बताएंगे। मोती, यहाँ पर पानी का अर्थ है कि चमक। देखिए मोती आप यहाँ पर दूसरे चित्र में देख रहे हैं, मोती की यदि ठीक से चमक नहीं है तो उसका कोई मूल्य जो है नहीं निर्धारित किया जाता।
उसकी चमक देखकर ही जो है उसे मूल्य जो है निर्धारित किया जाता है। यदि वह फीका है मोती, उसे धुंधला धुंधला लग रहा है, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसीलिए मोतियों को चमक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है सम्मान, देखिए आत्मसम्मान। यदि मनुष्य अपना जीवन जो है आत्म सम्मान से जीता है तो वह अच्छा व्यक्ति कहलाता है। वो किस लिए जीता है? आत्मसम्मान के लिए ही जीता है। उसे उस सम्मान का नष्ट हो गया तो उसका जीने का भी जो है वह जीना भी नहीं चाहता है, उसकी सोच जो है बदल जाती है और नकारात्मक सोचने लगता है। इसीलिए मनुष्य को जो है सम्मान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके प्रगति के लिए। तो इस तरह जो है एक तो मोतियों के लिए चमक है पानी का अर्थ, और मनुष्य के लिए जो है सम्मान का अर्थ है। अभी चून यानी है आटा। आटा का किस तरह पानी का महत्व है जल का, देखिए। यदि आप चपाती बनाइए, रोटी बनाइए, उस बनाने के लिए आटे को गूंथना पड़ता है, तो उसके लिए गूंथने के लिए क्या चाहिए? पानी बहुत ही आवश्यक है। तो उसे पानी मिलाने के बाद ही वो कितना आटा लिया है उसके अनुसार ही आपको पानी मिलाना है ना, बल्कि जब आप यह प्रयोग करने जाएंगे तो मुझे भी गूंथना है करके आटे के से भी ज़्यादा जो है पानी लेंगे तो उसे कुछ फ़ायदा नहीं है, आप पूछ कर जो है। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि आटे में जो यदि पानी मिलाएंगे तो वह गूंथने के लिए काम आ जाएगा और जाकर बाद में वह रोटी बनेगी। तो किस तरह यहाँ पर रहीम जो है बताना चाहते हैं कि पानी जो है उसे सिंचित करके रखिए। यहाँ पर भले ही मोती के लिए अलग है, मनुष्य के लिए अलग है और आटे के लिए अलग है, लेकिन जो पानी है उसका अर्थ बहुत सारा है, इसीलिए उसे संचित करके रखिए। देखिए जल ही जीवन है। आप मनुष्य के लिए सम्मान दिया गया है, लेकिन जल जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण ही है। तो इस तरह यहाँ पर कवि का यही कहना है कि आपको पानी का जो है संचित करके रखना चाहिए, ताकि आपको आगे के दिनों में जो है इससे आप बहुत ही आगे बढ़ेंगे। इसके बिना जो है आपका जीवन जो है व्यर्थ है। जैसे मोती बिना चमक के, आटा बिना पानी के गूंथा नहीं जा सकता, और मनुष्य जो है सम्मान के बिना। इस तरह जो है आपको रहीम के बहुत ही अच्छे जो नीति परक कह लीजिए, भक्ति परक, यहाँ पर दोहे का हमने विस्तृत अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ कि सभी कैडेट्स इसे अच्छी तरह से सीखा होगा। मैंने यहाँ पर उदाहरण सहित यानी चित्र सहित भी जो है आपको विवरण किया है। आपको कोई भी शंका अब की बार नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत आप इसे फिर से पढ़ लीजिएगा और अपने मन में जो है इसे याद रखना, क्योंकि यह दोहे जो है नीति परक हैं, आपको अच्छे से राह पर लेके जाने के लिए बहुत ही यादगार साबित होंगे। तो इस तरह आज हमने रहीम द्वारा रचित दोहों के अध्ययन किया, और अगले वीडियो में जो है इस कविता के संबंधित प्रश्नोत्तर पर हम समग्र चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।